आज के वीडियो में हम आपको IDFC म्यूचुअल फंड के टॉप 3 फंड्स के बारे में बताएंगे जहां आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। IDFC म्यूचुअल फंड भारत के सबसे बड़े फंड हाउसेस में से एक है। एज ऑफ मार्च 2022 फंड हाउस के टोटल एसेट्स 1,21,032 करोड़ से भी ज़्यादा थे। फंड हाउस के चेयरमैन मिस्टर सुनील कक्कड़ हैं और CEO मिस्टर विशाल कपूर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे IDFC म्यूचुअल फंड्स के टॉप 3 फंड्स के फीचर्स के बारे में, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे एंड साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड्स आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोज। मैं हूँ कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। IDFC म्यूचुअल फंड हाउस के हमारे लिस्ट पर टॉप 3 फंड्स हैं IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड, IDFC टैक्स एडवांटेज फंड और IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। क्योंकि तीनों ही फंड्स अलग कैटेगरीज के हैं तो हम इन तीनों को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड। IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की ही एक सब कैटेगरी है। ये फंड अपने एसेट्स को ऐसी कंपनीज और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अंडरवैल्यूड होती हैं अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से। बेसिकली ये फंड इन्वेस्टमेंट की एक पॉपुलर स्ट्रैटेजी वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। फंड का ऑब्जेक्टिव रहता है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बनाकर देना। फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31 मई 2022 4,473 करोड़ था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.98% है। अब फंड के पास्ट रिटर्न्स देखते हैं। पिछले एक साल में फंड ने 5.85% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 16.61% और वही 5 और 10 साल में 10.54 और 15.85% के रिटर्न्स दिए हैं। जैसा कि देखा जा सकता है फंड ने हर ईयर में अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है एंड फंड की लॉन्च मार्च 2008 से आज तक रिटर्न्स देखें तो वो हैं 15.57%। क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है तो ज़्यादातर एसेट्स इक्विटीज़ में ही इन्वेस्टेड है। IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड के 93.8% एसेट्स इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड हैं और बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट्स या कैश और कैश इक्विवेलेंस में हैं। IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड के एसेट्स अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्टेड हैं, जैसे कि लार्ज कैप में 37.53%, मिड कैप में 41.81% और स्मॉल कैप में 20.66% इन्वेस्टेड हैं। अब देखते हैं IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को। फंड के एसेट्स 55 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज़्यादा एलोकेशन ICICI बैंक में है एट 4.92%, VRL लॉजिस्टिक्स में एट 3.20 और जिंदल स्टील एंड पावर में 2.90% है। इस फंड के टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 29.43% है। IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड के एसेट्स टोटल 15 सेक्टर्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है एट 17.03%। टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर स्टेपल्स, जिनकी वेटेज 35.81% है। IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड की वैल्यूएशंस फेयर लग रही हैं। इसका प्राइस टू बुक रेशियो 3.15 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.26 है। IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ की होनी चाहिए एंड इफ़ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम SIP अमाउंट स्टार्ट्स एट ₹100। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों में से कोई भी अमाउंट चूज कर सकते हैं। अगर आप एक साल के अंदर अंदर अपनी 10% से ज़्यादा होल्डिंग्स को विदड्रॉ कर लेते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड पे करना पड़ता है और अगर आप रिडेम्पशन एक साल के बाद करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं पे करना पड़ेगा। दूसरा टॉप फंड हमारे लिस्ट में है IDFC टैक्स एडवांटेज ELSS फंड। IDFC टैक्स एडवांटेज फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की सब कैटेगरी ELSS फंड से है। ये एक टैक्स सेवर फंड है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख तक अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। इसके अलावा क्योंकि फंड अपने इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी में करते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म एक बहुत अच्छा कैपिटल ग्रोथ का पोटेंशियल भी मिलता है। ये फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जहां इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द मार्केट कैप एंड डिफरेंट सेक्टर्स में होता है। ELSS फंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शंस बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट रिटर्न पोटेंशियल एंड लोएस्ट लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स अमंगस्ट ऑल टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स।
IDFC Tax Advantage Fund का AUM as of 31st May 2022 was 3,570 crores और इसका expense ratio 1.95% था। अब देखते हैं इस फंड के past returns। IDFC Tax Advantage ELSS Fund ने सभी टाइम फ्रेम्स में अपने बेंचमार्क से अच्छे returns दिए हैं। फंड ने एक साल में 2.45% के रिटर्न्स दिए हैं और 3, 5 एंड 10 ईयर्स में 15.69%, 11.94% और 16.96% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड का इंसेप्शन दिसंबर 2008 में हुआ था और तब से फंड ने 17.38% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं, विच इज़ अ मार्क ऑफ ग्रेट परफॉर्मेंस। फंड के 96.5% एसेट्स इक्विटीज में एलोकेटेड हैं। क्योंकि ये एक ELSS फंड है, इस फंड के एसेट्स अक्रॉस द मार्केट कैप एलोकेटेड हैं, विद 58.7% एसेट्स इन लार्ज कैप, 24.05% इन मिड कैप एंड बाकी सब स्मॉल कैप में एलोकेटेड हैं। इसके पोर्टफोलियो में 51 स्टॉक्स हैं और इसमें टॉप 3 स्टॉक्स हैं ICICI बैंक, इंफोसिस और SBI। फंड के टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 41.04% है। इसका पोर्टफोलियो टोटल 15 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है और हाईएस्ट एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है एट 25.13%। टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी और इनका एलोकेशन 48.31% है। फंड की वैल्यूएशन काफ़ी बढ़िया लग रही है। फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 2.84 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.72 है। हमारी लिस्ट का तीसरा टॉप फंड IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ये फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की सेक्टोरल फंड्स की कैटेगरी में आता है। सेक्टोरल फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर और उससे रिलेटेड कंपनीज या बिजनेसेस में अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के केस में ये फंड्स एक्सपोजर लेते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स और इस तरह की कंपनीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी एक जाना माना फंड है इस कैटेगरी में। IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का AUM as of 31st May 2022 was 610 crores और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.45% था। अब इस फंड के पास्ट रिटर्न्स देखते हैं। IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रिटर्न्स बेंचमार्क से थोड़े कम रहे हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। फंड ने एक साल में -3.72% के रिटर्न्स दिए हैं और 3 और 5 साल में 10.20 और 5.36 के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। वहीं 10 ईयर्स के पीरियड में रिटर्न्स 9.45% रहे हैं। हाउएवर वी आर एक्सपेक्टिंग द फंड टू डिलीवर गुड रिटर्न्स इन कमिंग ईयर्स गिवन द करंट कंडीशंस एंड पोर्टफोलियो। क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है तो मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स इक्विटी में ही इन्वेस्टेड हैं 95.5% तक और रेस्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में है। फंड के 35.05% एसेट्स लार्ज कैप में एलोकेटेड हैं, 29.66% मिड कैप में और 35.29% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं। इस फंड के एसेट्स टोटल 31 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं और इसमें टॉप 3 स्टॉक्स हैं लार्सन एंड टूब्रो, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। फंड के टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 54.19% है। इस फंड के एसेट्स टोटल 8 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड हैं और इसमें हाईएस्ट एलोकेशन कंस्ट्रक्शन में है एट 26.35%। टॉप 3 सेक्टर्स हैं कंस्ट्रक्शन, मटेरियल और सर्विसेज विद 59.41%। इस फंड की इक्विटी वैल्यूएशंस बढ़िया लग रही हैं। फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 2.56 है और प्राइस टू अर्निंग 18.87 है। फाइनली आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, इन फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल है। इन तीनों ही फंड्स के रिस्क एट्रीब्यूट्स और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं। आइए देखते हैं। IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड अपने एसेट्स को प्राइमरीली अंडर वैल्यूड कंपनीज की इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में एलोकेट करता है। ऐसी कंपनीज को मार्केट में अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुंचने में टाइम लगता है, जिस वजह से ओवर द शॉर्ट टर्म कई बार ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बन पाते। हाउएवर लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकती हैं। अगर सूटेबिलिटी की बात की जाए तो ये फंड उन लोगों के लिए हाईली सूटेबल माना जाता है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर रहे हैं ओवर द लॉन्ग टर्म एंड एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे कैपिटल अप्रिसिएशन को। IDFC टैक्स एडवांटेज फंड एक ELSS यानी टैक्स सेवर फंड है, जो कि ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो टैक्स सेविंग के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन भी करना चाहते हैं। ऑल्दो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है,
विच मीन्स आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 साल बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ये फंड उन्हें ही कंसिडर करना चाहिए जो टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हों। ऑल्सो IDFC का टैक्स एडवांटेज फंड हमारे top 3 रिकमेंडेड ELSS फंड में से एक है। अब बात करते हैं IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, क्योंकि ये फंड अपनी इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर सेक्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज में करता है, तो रिस्क तो थोड़ा हाई है। एट द सेम टाइम करंट इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, जिससे इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स बना सकते हैं। साथ साथ याद रहे कि इस तरह के फंड्स में अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा पोर्शन ही इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क ना बढ़ जाए। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फ़ंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं, या फिर किसी दूसरे फंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अब आप किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में हमारे ऐप जेड फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हों, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर जाके लिखें। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.